हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी ब्रेन्स। सो गाइस, आईटीआई के कैंडिडेट्स और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आ रही है। ये रिक्रूटमेंट है जहां की आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी जो है इंडियन ऑयल की तरफ से निकाला गया है। गाइज, ये जो है आज के डेट में ही 24 को ही निकाला गया है और आज से फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है। तो गाइज, यहां पे जैसे आप लोग कैरियर ऑप्शन में जाइएगा और यहां पे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स में देखिएगा तो ये वाला जो है आप लोग का भी देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो है जो है वैकेंसियां निकाला गया है पाइपलाइन डिविजन से। तो गाइज, यहाँ पे जो है पूरा पीडीएफ को मैंने जो है अच्छे से हाईलाइट कर लिया है कि कौन कौन से मुख्य बिंदु है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स है। तो क्योंकि ये 10 पन्ने का पूरा पीडीएफ है, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा, इसलिए मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को येलो से मार्क कर लिया हूं। देखिए गाइस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जानकारी, छोटी छोटी जानकारियां जो है वो बाद में बहुत दिक्कत करता है, इस वजह से आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। देखिए, स्टार्टिंग जो है आपका जो है फॉर्म्स जो है स्टार्ट हो चुका है भरने के लिए और इसका लास्ट डेट जो है 18/2/2022 तक है। ठीक है, आईटीआई कैंडिडेट्स, डिप्लोमा के कैंडिडेट्स दोनों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला हुआ है। देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिविजन के लिए, ठीक है, जहाँ की यहाँ पे पोस्ट जो ये वैकेंसियां देखिए किन किन स्टेट्स में है सभी देख लीजिए। यहाँ एक चीज जान लीजिएगा, ये जो ईए है, ठीक है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट हुआ जो की डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए, और ये जो हो गया टीए, टेक्निकल अटेंडेंट, ये हो जाते हैं आईटीआई के कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ईए और टीए समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे देखिए ईए के लिए एक सीट है, टीए के लिए कितना है, 2 सीट है। उसी तरह से आसाम के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है, फिर यहाँ पे बिहार का देख लीजिए, फिर झारखंड के लिए एक है, दिल्ली के लिए देखिए एक है। इसी तरह से हाईएस्ट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है आप लोग का गुजरात से जो है टीए के लिए, जो आप लोग के आईटीआई के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे देखिए 14 सीट्स है। उसी तरह राजस्थान में देखिए 2 सीट है, महाराष्ट्र में देखिए 12 है। नोटिफिकेशन गाइज पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ले लीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि एक इतना पूरा ये पूरा जो वैकेंसी का जो सीट जो चार्ट है इसको बताना मुश्किल है। देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो मेन बता देते हैं टीए जो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे देखिए 15 सीट है, और यहाँ पे ईए जो है मैकेनिकल का है, फिर जो डिप्लोमा वाले या फिर टी एंड आई, उसी तरह से यहाँ पे उड़ीसा स्टेट से, फिर आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। गाइस देख लीजिए यहाँ पे असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट को हम लोग यहाँ पे ईए कहते हैं, और फिर जो जो आपका जो ये हो गया जो यहाँ देख लीजिए, नीचे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, टेक्निकल अटेंडेंट हो जाते हैं, टीए हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझ लीजिए एज की बात कही कही गई है, तो 18 साल से जो है कम नहीं होना चाहिए और 26 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एसटीएससी ओबीसी का जो एज रिलैक्सेशन है, एसटीएससी का 5 साल और ओबीसी का 3 साल, वो इसमें फिट करेगा, मतलब गवर्नमेंट का पॉलिसी यहाँ पे लागू हो जाएगा। दूसरी बात गाइस कि यहाँ पे सारा एग्जाम एग्जाम से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, कब आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, इस सारा इन्फॉर्मेशन में दिया गया, नीचे सब आप लोगों को मैं बता दूंगा। देखिए यहाँ पे पोस्ट की बात करूँ तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो है मैंने आपको कहा ऊपर में मैकेनिकल ग्रुप से, और फिर ये ग्रेड नंबर हो जाएंगे 4, ठीक है। इनमें देख लीजिए क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का जो है डिप्लोमा, या नहीं तो आईटीआई किए हुए हैं और साथ ही साथ 2 साल का लेटरल एंट्री में आपने डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसके लिए 55% आपका होना चाहिए एटलीस्ट। इलेक्ट्रिकल से भी आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई, यहाँ ट्रिपल ई, ठीक है, और डिप्लोमा सेम वहां पे भी वही चीज है, आईटीआई के साथ लेटरल एंट्री में आप डिप्लोमा किए हैं तो चलेगा। फिर टी एंड आई सेक्शन के लिए भी देख लीजिए, ग्रेड 4 का ही इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए, और यहाँ पे ये सब ग्रेड मतलब ईसी के कैंडिडेट्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, फिर रेडियो कम्युनिकेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, वेब प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसी तरह से ऑपरेशन के लिए देखिए यहाँ पे सभी लगभग ट्रेड्स जो है जितने भी हैं इंजीनियरिंग फील्ड्स के लगभग सब है, ठीक ठीक है, कंप्यूटर साइंस वगैरह सब नहीं है, बट यहाँ देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अभी आईटीआई की बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल अटेंडेंट जो है 1 ग्रेड 1, तो गाइस यहाँ देखिए यहाँ पे मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, या फिर 10th होना चाहिए और साथ में आईटीआई होना चाहिए। आप पास आउट कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, एससीबीटी एनसीबीटी दोनों एलिजिबल है। आपके पास जो है एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब पास आउट होने के बाद जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड है आईटीआई के, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट का, मशीनिस्ट हो गया, ग्राइंडर हो गया, फिर मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर वायरमेंट डॉक्यूमेंट मैकेनिकल, फिर मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईएसएम, और फिर यहाँ पे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन आरएसी, और फिर यहाँ पे देखिए मैकेनिक जो है डीजल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन वाला सब भी दिया है, सबका लगभग आप लोग वही ड्यूरेशन में रहते हैं। देखिए पे स्केल का बात कर लेंगे, तो देखिए पहला जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है उनको मिलेगा पे स्केल जो है 25,000 से 1,05,000 तक, और टीएडीए जो है अलग से, और यहाँ पे
आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 23,000 से लेकर 78,000 तक का पे स्केल है, अच्छा खासा बहुत अच्छा पैकेज है। देखिए कट ऑफ डेट जो है कब से निर्धारित किया जाएगा एज वर्ग के लिए या फिर क्वालिफिकेशन के लिए, 24/1/2022 से, ठीक है। यहाँ पे फीस कितना लगेगा फॉर्म भरने का, 100 रुपए लगेगा और ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो आपको बता दिया एज रिलैक्सेशन, देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, 5 साल और फिर 3 साल वाला। दूसरी बात गाइस, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है स्किल टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट या फिर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है या फिर फिजिकल टेस्ट होता है, उसको भी कहा जाता है SPPT कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होने, मतलब उसमें आप सिक्योर करते हैं मार्क्स, पास करने के बाद आपको जो है इस SPPT के लिए बुलाया जाएगा, मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ सारे डिटेल दिया हुआ है। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका जो है 27 मार्च को हो सकता है, टेंटेटिव डेट्स दिए गए हैं। और एग्जामिनेशन का भी देखिए पैटर्न दिया है, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन में जो है आप लोग के 100 मार्क्स के रहेंगे और एक भी नेगेटिव मार्क्स मार्किंग नहीं रहेगा और हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। 75 क्वेश्चन यदि बात करेंगे इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, डिप्लोमा वाले का और यहाँ आईटीआई वाले का, दोनों का सेम ही लगभग है पैटर्न। मतलब 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रहने वाला है, आपका जो जिस भी फील्ड से लाइक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर्स ट्रेड से, तो आपका रहने वाला है। यदि आपने डिप्लोमा में डबल ई किया है, ट्रिपल ई किया है, इसी किया है, तो आपको 75 क्वेश्चन उसी ब्रांच से रहने वाला है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन देखिए किससे रहने वाला है, 25 क्वेश्चन रहेगा आपका GA, मतलब GK रहेगा, GS रहेगा, फिर आपका मैथ भी रहने वाला है और रीजनिंग से और इंग्लिश, ठीक है। ये 3 5 सब्जेक्ट, देखिए मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे मैथ है और फिर जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे सेम ITI का भी और उसी तरह से आपका डिप्लोमा वाले का भी, समझ गया। कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, नेगेटिव नहीं है। 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है और जो फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए 120 मिनट मिलेगा, मतलब कि उनको थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, दैट मीन्स कि इन लोग के मुकाबले। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जो बच्चे यहाँ पे मेरिट में रिटन में पास करते हैं, उसके बाद तो उनको SPPT के लिए बुलाया जाएगा, तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बट स्किल टेस्ट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मार्क्स जुड़ने वाला है नहीं, बट उसमें आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। मतलब स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आप कितना अच्छा नंबर लाया है रिटर्न में काउंट नहीं करेगा। आपका जो मेरिट बनने वाला है, आपका जो क्वालिफाई होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या आपको जॉब लगेगा, वो आपका रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सिर्फ वो क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपका क्या चाहिए, तो 10th का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट चाहिए, या फिर जो ITI कैंडिडेट्स, तो ITI को अपना जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट्स है, ATC सर्टिफिकेट, या फिर जो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं उनको चाहिए आपका जो सेमेस्टर के सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर जो पासिंग सर्टिफिकेट वो चाहिए, STSC सर्टिफिकेट चाहिए, OBC सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, जो कैटेगरी में भरेंगे। उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये सभी जो जनरल जो चीजें हैं गाइस वही दिया हुआ है और कुछ नहीं यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के आधार पर चीजों के लिए, ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको बता दिया है कि 24/1 से भरा रहा है फॉर्म और ये 18 फरवरी के शाम के 8 बजे तक जो है, शाम के सॉरी 6 बजे तक ये फॉर्म भराएगा। और यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप लोग क्लिक करके इस लिंक पे जो है फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात की है कि आप लोग यदि कहिएगा कि फॉर्म कैसे भरा जाए, तो मैं वीडियो लेके आ सकता हूँ, आप लोग भी बोलिएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए क्वेरी कुछ करना है, कुछ जानना है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अलग अलग रीजन का दिया हुआ है, जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, वहां से वो देख चेक करना होगा कौन सा रीजन में आता है, उसी रीजन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ईमेल ये करना होगा, हमें इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए लास्ट जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, यहाँ पे 24/1 आपका हो गया ऑनलाइन फॉर्म का तिथि है, लास्ट डेट ये हो गया। और फिर टेंटेटिव देखिए ऑनलाइन डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड 14 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच कर पाइएगा, ठीक है। और 27 को आपका एग्जाम भी है, 27 मार्च को आपका संडे के दिन एग्जाम है। और फिर रिजल्ट सॉरी SPPT मतलब स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए 1/4 मतलब 1 अप्रैल से वो स्किल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि सारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी सभी मैंने आपको दे दी है। और यहाँ पे गाइस और भी कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ जॉब्स आया हुआ है जरूर आप लोग देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे टाटा से जो है एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है, लॉन्ग टाटा स्टील प्रोडक्ट्स से भी वैकेंसी निकाला गया है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी 31 तारीख तक डेट है। और उसके बाद नवोदय से कुछ वैकेंसी आई है, और फिर ये जो अप्रेंटिसशिप से आया हुआ है, बहुत सारा वैकेंसी देख लीजिएगा चैनल पे, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को, ये पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप लोग को, वहाँ पर चेक कर लेगा जरूर, जो जो आपके काम का होगा जरूर भरिएगा। हेम ऑपरेटर का भी रिक्रूटमेंट आया है लेकिन डिपार्टमेंटल है, ठीक है। तो दूसरी बात की यहाँ पे आप लोग के लिए देखिए नवोदय विद्यालय से भी वैकेंसी आया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन और प्लम्बर के लिए, ITI के लिए,
गाइस यहां पे कुछ एक अपडेट्स है जो कि मैंने आपको दे दिया है, और बाकी अपडेट्स सर आप चैनल विजिट करके देख लीजिएगा। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा मेहनत लगता है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।